कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है भावना चौधरी और आज फिर से हम आपसे बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक कार पर। इलेक्ट्रिक कार इंडियन मार्केट में इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर रही है आजकल की एक के बाद एक कंपनी अनाउंस कर रही है कि वो अपनी नई इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करेगी। और टू व्हीलर मार्केट में तो इतनी ज्यादा व्हीकल अभी हमारे पास हैं, जो स्कूटर्स भी हैं, बाइक्स भी हैं, लगातार नई स्टार्टअप कंपनियां इस सेगमेंट में अपने वाहनों को लॉन्च कर रही हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स अभी भी लिमिटेड है। वर्ल्ड ईवी डे पर टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया कि वो अपनी टियागो को इलेक्ट्रिक अवतार में पेश करेगी। और वहीं महिंद्रा ने एक्सयूवी 400 को अनवील कर दिया है। महिंद्रा एक्सयूवी 400 इंडियन मार्केट की सबसे वेटिंग कार थी, जिसे अनवील कर दिया गया है। इस कार को लॉन्च किया जाएगा जनवरी 2023 में, यानी कि प्राइस इसके आपको पता चलेंगे जनवरी में, लेकिन उससे पहले पूरी डिटेल इस गाड़ी के बारे में सामने आ गई है। महिंद्रा की जो एक्सयूवी 300 है वो किसकी राइवल है? वो राइवल है टाटा नेक्सॉन की। टाटा नेक्सॉन इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है, जिसके पीछे रीजन साफ है कि इस प्राइस रेंज में फिलहाल आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। लेकिन महिंद्रा एक्सयूवी 400 आ चुकी है और टाटा नेक्सॉन के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो आइए अपने इस वीडियो में कंपेयर करते हैं इन दोनों गाड़ियों को, महिंद्रा एक्सयूवी 400 को, टाटा नेक्सॉन को। दोनों गाड़ियों की पूरी डिटेल आपको बताएंगे और जानेंगे कि कैसे महिंद्रा क्यूसी 400 टाटा नेक्सॉन से बेहतर हो सकती है, क्या इनकी प्राइस रेंज होगी, क्या बैटरी होगी, क्या पावर होगी। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, तभी वीडियो आगे देखना है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा एंड ये कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे बैटरी पावर और रेंज पर। तो महिंद्रा की जो एक्सयूवी 400 और टाटा नेक्सॉन भी है, इन दोनों में जो बैटरी है वो लगभग सेम है। अगर मैं किलोवाट की बात करूं तो टाटा नेक्सॉन ईवी में मिलती है आपको 39.4 किलोवाट की बैटरी और एक्सयूवी 400 में आपको मिलती है 40.5 किलोवाट की बैटरी। इसके साथ ही जो रेंज है उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल जाता है। टाटा नेक्सॉन जो है वो रेंज देती है 437 किलोमीटर की और महिंद्रा एक्सयूवी 400 जो है वो कंपनी क्लेम कर रही है कि रेंज देगी 456 किलोमीटर के आसपास। तो आपको डिफरेंस मिल जाता है लगभग 20-22 किलोमीटर का रेंज में। हालांकि बैटरी जो है वो दोनों गाड़ियों की लगभग सेम है। तो दोनों जो इलेक्ट्रिक एसयूवीज हैं वो फ्रंट व्हील ड्राइव है। एक्सयूवी 400 जनरेट करती है 147 बीएचपी की पावर, वही नेक्सॉन ईवी मैक्स जनरेट करती है 140 बीएचपी की पावर। इसके साथ ही एक्सयूवी 400 का जो टॉर्क है वो भी 310 एमएम है, नेक्सॉन ईवी मैक्स से यह भी ज्यादा है। तो महिंद्रा की एक्सयूवी 400 लेती है 0 to 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड पकड़ने में 8.3 सेकंड, वहीं टाटा की जो नेक्सॉन ईवी मैक्स है वो लेती है 9 सेकंड। तो स्पीड में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल जाता है, लेकिन यह जो स्पीड है 0 to 100 किलोमीटर आपके लिए कितना मैटर करती है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बैटरी हो गई, पावर हो गई और स्पीड हो गई, बढ़ते हैं चार्जिंग की तरफ। तो जब चार्जिंग की बात आती है तो हर कोई चाहता है कि उसकी गाड़ी में फास्ट चार्जिंग हो, मतलब ह्यू मिनटों में आपकी गाड़ी चार्ज हो जाए और आप बहुत ही लंबा सफर कर सकें। लेकिन महिंद्रा की एक्सयूवी 400 और टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स चार्जिंग में थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस मेंटेन करती हैं। तो जहां तक मुझे समझ आ रहा है दोनों ही गाड़ियां अपने आप में बहुत बेस्ट होने वाली हैं। टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स पहले से इंडियन मार्केट में मौजूद है और महिंद्रा एक्सयूवी 400 आने वाली है। महिंद्रा की और टाटा की गाड़ियों पर लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं। देखना होगा दोनों एक दूसरे की कॉम्पिटिटर है, कौन सी को ज्यादा लोग पसंद करते हैं। वापस आते हैं चार्जिंग पर। तो अगर आप नेक्सॉन ईवी मैक्स को 7.2 किलोवाट एसी चार्जर से चार्ज करते हैं तो इसमें आपको टाइम लगता है 5 से 6 घंटे का। वहीं अगर आप सेम चार्जर से महिंद्रा की एक्सयूवी 400 को चार्ज करते हैं तो इसमें आपको लगते हैं 6 घंटे 30 मिनट, यानी कि स्लो चार्जिंग में नेक्सॉन ईवी मैक्स जल्दी चार्ज हो जाती है 5.5 घंटे के आसपास, वहीं महिंद्रा की एक्सयूवी 400 लेती है 6 घंटे 30 मिनट के आसपास। और अब फाइनली बात आती है डिजाइन की। तो महिंद्रा एक्सयूवी 400 का डिजाइन सामने आ चुका है, जो इमेजेस है वो रिवील हो चुकी हैं, ड्राइव रिव्यूज भी इस गाड़ी के आ चुके हैं। यह है गाड़ी जो प्रॉपरली है महिंद्रा की एक्सयूवी 300 उस पर बेस्ड है, और टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स आप पहले ही इंडियन मार्केट में देख चुके हैं। बहुत ज्यादा जो चेंजेस देखने को मिलते हैं डिजाइन में वो है फ्रंट ग्रिल, जो की पूरी तरह से क्लोज है, और यह एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी का थोड़ा सा लेंदी वर्जन है। तो इसके टेल में भी, मतलब टेल लाइट्स में भी और उसके रियर सेक्शन में भी आपको कुछ अपडेटेड चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, आप फ्रेम पर देख सकते हैं जो। और फाइनली बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स के प्राइस स्टार्ट होते हैं 18 लाख के आसपास, और कहा जा रहा है कि महिंद्रा की एक्सयूवी 400 की प्राइस भी 16-17 लाख के आसपास ही रखे जाएंगे। अगर मैं इस सेगमेंट में बात करूं, इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में बात करूं, तो हमारे पास एमजी की ZS EV भी है और हिंडई की कोना भी है।
हालांकि ZS EV की जो प्राइस है वो स्टार्ट होते हैं 22 लाख के आसपास, और जो हिंडे की कोना है उसके प्राइस स्टार्ट होते हैं 23 लाख 84 हजार के आसपास। तो देखना होगा कि इलेक्ट्रिक ईवी सेगमेंट में इन चारों गाड़ियों में कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा इंडियन मार्केट में लोगों को पसंद आती है। ZS EV और हिंडई कोना का आपस में महिंद्रा की XUV 400 और टाटा नेक्सॉन से कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इनकी प्राइस में जो डिफरेंस है वो लगभग 2 से 3 लाख का है। तो ये था महिंद्रा के XUV 400 और टाटा नेक्सॉन पर पूरा डिटेल वीडियो। बैटरी, रेंज, पावर, प्राइस हमने सभी इसमें डिस्कस किया है। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।